आज हम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डोसे बनाएंगे। इसके लिए 1/4 कप उड़द की दाल, 1/4 कप चने की दाल लेंगे और आधा कप इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। चावल आप कोई भी वैरायटी का ले सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो उन चावल से आप ये डोसे बना के तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर 2 गिलास पानी डालेंगे और इसे ढककर लगभग 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जब हम चावल और दाल को पीसें तो वो आसानी से पीस के तैयार हो। 4 से 5 घंटे के बाद हमने चावल को अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे और अच्छे से चावल और दाल भीग चुके हैं, इन्हें हम एक मिक्सी के जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। चावल और दाल को पीसते समय हम इसके साथ ही 5 से 6 लहसुन की कलियां और 2 मोटी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। ये हमने तीखी वाली हरी मिर्च का इसके अंदर इस्तेमाल किया है और ढककर इसको पीस के महीन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। पेस्ट आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और महीन पेस्ट बना के हमने तैयार किया है। इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे लगभग 2 घंटे रेस्ट के लिए रख देंगे। ढक के हमने बैटर को 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। 2 घंटे के बाद हम इसके अंदर कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे, जिसमें 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया का पाउडर इसके अंदर डाल देंगे। सभी मसाले डालने के बाद हम अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे। आधा गिलास पानी डाल के हम बैटर को थोड़ा पतला कर लेंगे। नॉनस्टिक तवे के ऊपर 1 चम्मच बैटर डालेंगे और इसे अच्छे से चारों तरफ हल्के हाथों से फैला लेंगे। गैस की आंच हम मीडियम टू लो रखेंगे और मीडियम टू लो आंच पर हम डोसे को अच्छे से कुक होने देंगे। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे और ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे, ताकि डोसा अच्छे से सिक के तैयार हो। जैसे ही डोसा क्रिस्पी हो जाए तो डोसे को हम फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से हम डोसे को बना के तैयार करेंगे। तो देखा आपने हमने कितने इजी तरीके से चावल के आटे और दाल का डोसा बना के तैयार किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।